दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही साधारण समस्या के बारे में। एक इंसान का कमेंट आया था कि मैम, जब मैं एकदम से खड़ी होती हूँ, चाहे सिर धोकर खड़ी हो रही हूँ या फिर मैंने कोई फीता बांधना था यानी कि शूज का, तो एकदम से जब हम खड़े होते हैं तो सिर में चक्कर आते हैं और 1 से 2 सेकंड के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और मैं बहुत आराम से चलने लगती हूँ। ये समस्या क्यों होती है? अगर लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं इसका इलाज कैसे करूँ? दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसे होता है, जब आप बेड पर अचानक से बेड पर बैठे हुए खड़े होते हैं या फिर नीचे बैठे हुए खड़े होते हैं, बाल धो रहे होते हैं तो एकदम से खड़े होते हैं या बालों को ऊपर करते हैं, तो अगर आपको भी 1 या 2 सेकंड के लिए चक्कर आते हैं और आप हर बार इसे इग्नोर कर देते हैं कि अब क्योंकि ये तो 2 सेकंड के बाद ठीक हो जाएगा ना, तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इसका कारण और इसका इलाज पता लग सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इसके लिए बिल्कुल भी नहीं डरिए। डरने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये समस्या कभी कभार होती है, जैसे कि महीने में एक बार हो गई, 2 महीने में एक बार हो गई, तो आप इस समस्या को बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशराइज मत कीजिए। आप इसका बिल्कुल भी डरिए नहीं इस समस्या के लिए, क्योंकि ये जस्ट नॉर्मल है। 1 से 2 सेकंड के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये चीज आपके साथ रोज होती है, हफ्ते में 2 बार 3 बार हो जाती है या फिर एक दिन में ही 2 से 3 बार होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस इलाज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आपको एक और जानकारी देनी थी कि हम अपने इस चैनल पर यानी कि दिव्या शर्मा धवन चैनल पर हर सुबह 6 बजे लाइव आते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन किस किस चीज के लिए? मेडिटेशन हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, मनी के लिए, यानी कि हम पैसों को अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं। इस मेडिटेशन वाले आप सेशन को रोजाना जरूर अटेंड करें, सुबह 6 से लेकर 6:30 बजे, सिर्फ 30 मिनट आपके और हमारे एक साथ मेडिटेशन करने के लिए। दोस्तों, ये होता क्यों है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तब ये समस्या आती है। ब्लड प्रेशर क्या है? आपके खून के अंदर बहने वाली गति जो होती है वही ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर का जरूरत से ज्यादा होना या जरूरत से कम होना, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। जहाँ पर ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना हाइपरटेंशन कहलाता है, जो हमारी आर्टरीज और हमारे दिल के लिए तकलीफ वाला होता है, वहीं ब्लड प्रेशर का कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है, जिसके कारण हमें चक्कर आते हैं और कई बार ये हाइपोटेंशन ज्यादा हो जाती है तो बेहोशी तक की कंडीशन आ जाती है। अगर आपको ये कंडीशन यानी कि एकदम से 1, 2 या 2 सेकंड के लिए चक्कर आना ज्यादातर हो रहा है, दिन में 3 से 4 बार हो रहा है, तो आप इस इलाज को जरूर फॉलो करिए। होता क्या है, जब भी कोई इंसान एकदम से खड़ा होता है, बैठा होता है, एकदम से खड़ा होता है, तो उस टाइम उनकी बॉडी के अंदर जो खून का प्रवाह होता है वो पैरों की तरफ ज्यादा होता है। तो जब वो एकदम से खड़ा होता है तो उसके दिमाग तक खून और ऑक्सीजन पूरी स्पीड से नहीं पहुंच पाता। उसके बाद एकदम से जब खड़ा होता है तो हमारा दिल जो होता है वो बहुत जोर के पंप करता है। वो 1 और 2 सेकंड के जब चक्कर आते हैं वो इसी कारण से आते हैं। ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई सिर तक बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड से नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं आपका खून जो है वो गाढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, अब इलाज के बारे में भी जान लेते हैं। इलाज के लिए सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, सुरक्षा करनी है अपने खुद की। आपने थोड़ी धीमी गति से उठना है, क्योंकि अगर आपको भी मालूम है आपका कमर दर्द हो रही है, अगर आप अपनी कमर से बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो क्या होगा, वो कमर और अपना काम करना कम कर देगी। तो इसीलिए जब भी आप खड़े हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से खड़े होइए, एक अपने माइंड को ये सेट करिए कि अब मैंने खड़े होना है, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे खड़े होइए। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज में आपको मैं कुछ ऐसे स्टेप बता रही हूँ जिनको आपने जरूर फॉलो करना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से हो सके। उसके लिए जरूरी है आपके खून का पतला होना और सही होना। तो आपने बहुत साधारण सा इलाज करना है। लहसुन के बारे में जानते हैं? गार्लिक, गार्लिक के अंदर एलेसिन तत्व होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करती है, यानी खून को पतला करने वाला काम करती है। अगर आप रोजाना कच्चा प्याज और कच्ची लहसुन का सेवन करते हैं, तो दोस्तों अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं ना, तो दवाई छोड़ दीजिए,
आप कच्ची लहसुन और कच्चा प्याज खाना शुरू कर दीजिए। ये एक नेचुरल ब्लड थिनर और ब्लड प्योरिफायर है, यानी खून को साफ भी करता है और खून को पतला भी करता है। और हमारी बॉडी में खून का ही तो काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करवाना। तो दोस्तों, आप रोजाना कच्चा प्याज और कच्ची लहसुन का सेवन जरूर करिए। अब बात करते हैं दूसरे इलाज की। दूसरा इलाज है दोस्तों अलसी। तासीर की थोड़ी गर्म होती है। अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि गर्मियों में इसका सेवन कैसे करें। नॉर्मल सी चीज है, इसका पाउडर बना लीजिए, पानी में भिगो दीजिए और इसका सेवन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज तासीर की गर्म हो गई, जब हम उसे पानी में भिगो देंगे तो उसकी तासीर बदल जाएगी। तो आपने अलसी को पानी में भिगो कर और फिर उसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जो कि खून को पतला करने का काम करेगा। एक चीज आपको और बता देती हूँ, वो थोड़ी महंगी है, वो है अनार। अनार के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो नेचुरल तरीके से हमारी नसों को संकरा होने से, यानी कि भीड़ा होने से, सिकुड़ने से बचाता है। अनार का सेवन करने से हमारी नसें चौड़ी हो जाती हैं और ऑक्सीजन और खून की सप्लाई बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में हो पाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको चक्कर आते हैं या फिर आपकी मसल में पेन हो रहा है, नसों में आपको ऐसे फील होता है कहीं ना कहीं खिंचाव हो रहा है, ऐठन हो रही है, तो आप इस इलाज को जरूर फॉलो करिए ताकि इन समस्याओं से आप बचे रहें। दोस्तों, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।